पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही भाजपा का दामन थामने वाले हैं और इसके साथ ही पंजाब लोक पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। पंजाब में जमीन तलाश रही बीजेपी के लिए यह बड़ा कदम साबित हो सकता है। पंजाब के बदलते सियासत की पूरी तस्वीर समझने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। पंजाब देश के उन राज्यों में शामिल है जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे हैं। ऐसे में पंजाब को साधने के लिए बीजेपी ने अब एक बड़ा दांव खेला है। माना जा रहा है कि एक जमाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 19 सितंबर को भाजपा में शामिल होंगे। इसके साथ ही उनके करीबी पंजाब के 5-6 पूर्व मंत्री भी भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। साथ ही अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय होगा। हालांकि इस बात की लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि भाजपा पंजाब में पार्टी का पुनर्गठन करने की तैयारी में है, क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होने के बाद पार्टी कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। माना तो यह भी जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब का प्रधान बनाया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद अब पार्टी एक बार फिर से खुद को पंजाब में खड़ा करने के लिए जोर जुगत लगा रही है। भाजपा के पास पंजाब में फिलहाल 2 सीटें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के भाजपा में विलय की चर्चाओं ने उस समय जोर पकड़ा था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करीब 1.5 घंटे तक बात की थी। हालांकि मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाहर निकलकर पंजाब लोक कांग्रेस के भाजपा में विलय के सवाल को नकार दिया था और इन्हें केवल अटकलें बताया था। अमरिंदर सिंह ने 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद कई मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की तारीफें कर चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कैप्टन ने ट्विटर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके पंजाब के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर राज्य और देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से काम करने का संकल्प लिया, जो हम दोनों के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। जहां अलग अलग राज्यों में अपने संगठन को एकजुट कर वहां के बड़े नेताओं को अपने पाले में लिया जा रहा है, वहीं अब दूसरी ओर पंजाब में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब सूबे में कैप्टन का जलवा कितना है यह तो वक्त ही बताएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।